हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। तो बीपीएससी का आज पहले शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो गया है, टीचर भर्ती का। और पहले शिफ्ट में अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ तो कैसा पेपर गया है, किस तरीके के पैटर्न आए हैं, कितना हार्ड है, कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, कितना मॉडरेट लेवल का पूछा गया है, क्या बीपीएससी ने डायरेक्टली बीपीएससी जो पीसीएस एग्जामिनेशन होता है जिसमें ये आपके एसडीएम वगैरह या वीडियो वगैरह की सिलेक्शन होती है, क्या उस तरीके का पेपर बना दिया है या ये टीचर लेवल पे ही रखा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन रहे हैं टोटल। और यो बात कहा जाए तो इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से क्वेश्चन का पेपर जो है वो किस तरीके का है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। 5 इसमें ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी डी ई, और इसमें देख सकते हो 5 ऑप्शंस रहे हैं। और बहुत सारी भी और भी बहुत सारी बातें कही गई है। और ब्लू और ब्लैक टाइप पेन का यूज़ कर सकते हो। इसमें हम आंसर की के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम आंसर की को बताएंगे। पेपर है आपका, सेट है, बुकलेट संख्या है बी, तो ये आप देख लेना। और एग्जामिनेशन थे 2 आवर्स के। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो गाइज, क्वेश्चंस जो हैं और क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे गए हैं, पहले ही बी वाले में जो शुरू किया है वो आपका शुरू कर दिया है एनवायरनमेंट से, यानी कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे खासे पूछे हैं, भर भर के पूछे हैं, ठीक है ना। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इन लोगों ने भर भर के पूछे हैं, आप देख सकते हो। और पहला ही क्वेश्चन है कि हाँ, ऊर्जा के ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, यहाँ पे देख सकते हो आहार श्रृंखला के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। और ये आपका फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया है, फिर आपका चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आया हुआ है। आहार श्रृंखला, ये आप देख सकते हो आहार श्रृंखला से 2-2 क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद गैसीकरण से आया हुआ है, क्लोरोफिल से आया हुआ है, ठीक है ना। एंड देन ऊर्जा के स्तर से आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार मैं सारा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, और सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद इसके आंसर्स के ऊपर हम लोग आएंगे एंड देन कॉट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको कॉट ऑफ जानना है और डायरेक्ट आंसर जानना है तो आप वीडियो के लास्ट में 5 मिनट से आप वीडियो देख लो, वहां से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो तो फिर से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो तो जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और गाइज, मैं एक बात आपको बता दूं कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के जो टीचर की भर्ती हो रही है उसका ये क्वेश्चन पेपर है, और इतना हार्ड दिख रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत ही हार्ड है ये, इसको कम हार्ड मत समझना। ये पेपर का जो लेवल है काफ़ी हाई सेट किया गया है, और ये पेपर पहले जो सेट किया गया था निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इसको सेट किया गया है। ये फिर से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन इनका गलत है, यहाँ पे एक दिशीय होना चाहिए था, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक, अगेन ये आप देख सकते हो, तो एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये वाला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया है, ये भी रीजनिंग से आ गया है, ठीक है। ये आपका मैथ से क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे देखो ये भी मैथ से क्वेश्चन है, तो शुरुआती दौर में इसने मैथ दे दिया है। और फिर देखते जाओ तो फिर से यहाँ पे मैथ आ गया है, मैथमेटिक्स है। तो मैथ से टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार एनालिसिस कर लिया जाए ताकि अच्छा रहेगा। आप रीजनिंग मैथ दोनों मिलाकर के हम लोग देख लेते हैं। तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 उसके बाद है 5 क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो आपके माइंड में रहें। 6 क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। भाई साहब, 32 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ से पूछे हैं, जो कि बहुत ही दर्द देने वाली बात है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120, और इसमें से 32 क्वेश्चंस अभी तक मैथ के हमने देख लिए। तो 32 क्वेश्चन माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे ये 11 और 8, 88 क्वेश्चन सिर्फ आपके जीएस पेपर से पूछे गए हैं जिससे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो 32 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से आए हुए हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। फिर से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ये देख लो, क्या इन्वायरमेंट इन लोगों ने मतलब कि सोच लिया था कि इन्वायरमेंट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये साइंस से आपका क्वेश्चन आ गया,
ठीक है ना, ये आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, फिर ये भी आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, ये आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, ये आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। और कह रहा है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठ जाने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में। तो जब खड़ा रहेगा तो क्या वो धकेल सकता है वस्तु को, तो यस। तो यहाँ पे देखो पीएच मान किसका है, तो यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक जूस है सिर का है, और रक्त प्लाज्मा यहाँ पे इन्होंने लगाया है, एंसर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू हो गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू हो गया है, यहाँ पे फिर से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो साइंस भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे पूछे हैं। फिर यहाँ पे देखो ये आपका आप देख लो तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है। देखो अभी तक हमने सिर्फ देखे हैं इन्वायरमेंट से, मैथ से और साइंस से देख रहे हैं, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड आपका मैंने बात किया फिजिक्स, तो फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन है। अभी अभी और कुछ नहीं दिखा, ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। और 20 के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल, वाह वाह क्या बात है, गलत लगा लिया भाई ने। फिर यहाँ पे देखो ये भी आपका ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका आ गया एनवायरनमेंट से, ये माफ करना करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो ये भी आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, ये भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, ये भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, करेंट अफेयर अगेन। ये आपका हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन मिल रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है हिस्ट्री का, दो क्वेश्चन मिला। ये फिर आपका आ गया, ये आपका आ गया करेंट अफेयर से, और ये आपका आ गया फिर देखो यहाँ पे ये आपका आ गया पॉलिटी से, नाटो प्लस कह सकते हो, ये कह सकते हो करेंट अफेयर से, ये भी करेंट अफेयर से। तो करेंट अफेयर इन लोगों ने भर भर के पूछे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये करेंट अफेयर है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखो तो ये यहाँ से अब आपका जियोग्राफी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है और ये भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है, भूकंप वगैरह आ गया, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखो ये आपका बिहार से क्वेश्चन आपका आया है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस गया अधिवेशन में भाग लिया था, महात्मा गांधी एंड बिहार, फिर 1938 के अध्यक्षता राष्ट्रीय योजना समिति, और यही है बिहार से क्या क्वेश्चन मिला है, दो क्वेश्चन बिहार से अभी तक मिला है मेरे को, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से नहीं पूछा गया है इस वाले शिफ्ट में, अभी देखना होगा अगले शिफ्ट में किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये USSR और रसिया के बीच से क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में बात करूँ कि कितने इसके कट ऑफ जाने चाहिए, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के जो कट ऑफ होंगे वो 50 से लेकर के 60 के बीच में होंगे, ये 50 भी मैं साथ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार कट ऑफ के ऊपर बातचीत कर लेता हूँ, तो देखो कट ऑफ इसका मैक्सिमम 50 से लेकर के 55, 60 भी नहीं जाएगा, 50 से लेकर 55 तक क्वेश्चन का वो जाएगा, क्योंकि जिस पैटर्न से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पढ़ाए हैं और जिस तरीके से बच्चों की तैयारी चली है उस तरीके से बस मैं यही कह सकता हूँ कि 50 बहुत ज़्यादा 55, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप 45 भी किए हो, अगर आपका 45 भी सही हो रहा है तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात मैं बता दूं, ये आपका जनरल का 55 के आसपास, ओबीसी का 50 के आसपास, और ओबीसी में जो ईडब्ल्यूए, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में उनका 45, और उसके बाद एससी, एसटी, एसटी, ये दोनों ये ग्रुप का ले लो तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 40 के आसपास जाने चाहिए। तो मैक्सिमम रहने वाला है 55 और मिनिमम रहने वाला है 40, तो 40 से लेकर 55 के बीच में से कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा इस बार का कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि जो पेपर है वो पेपर बिल्कुल ही अलग डिफरेंट क्वालिटी का बनाया है और ये बिल्कुल हार्ड है, ये काफ़ी हार्ड पेपर सेट किया गया है, और इसलिए अगर आपके 40 से 45 अगर आपके सही हो रहे हैं तब आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो पास में। 40 से लेकर के 55 के बीच में आपका अगर क्वेश्चन सही हो रहा है, चाहे आप किसी भी ग्रुप में हैं, इतना के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप अपने आप को कंसीडर कर लेना पास में, कि आप पास हो, ठीक है, क्योंकि पैटर्न काफ़ी हार्ड है,
इस वाले अभी फर्स्ट शिफ्ट वाले का बहुत क्वेश्चन हार्ड है, बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये आपके लिए सिंपल है, बल्कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए थे। ये 1 से लेकर 5 तक का ही है, ठीक है। एंसर की आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और वो एंसर की आपको मिलेगा 3 बजे, 3 बजे आपको एंसर की मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और इसका एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। पेपर काफ़ी हार्ड है, कॉर्ड ऑफ इसका 40 से लेकर 55 के बीच में जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर चला गया तो चैनल को आना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही रखते हैं, और वो ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं आंसर 1-2 घंटे में इसका बना करके सेंड करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।